ट्रेन वगैरह आती है, दिक्कत वगैरह होता है क्या? एब्रेशन तो होता है लेकिन एक आदत सी हो गई है। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल, मरहबा दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? फाइनली दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम फिर से पटरियों पे आ गए हैं। पटरियों पे दोस्तों इस बार हम देखने वाले हैं मुंबई में लोगों का जो पटरी पे घर होता है वो घर अंदर से दिखता कैसा है दोस्तों, और इनकी एक्टिविटी कैसी होती है, इनकी लाइफ वगैरह कैसी होती है दोस्तों। आज ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे समझने की कोशिश करने वाले हैं। और दोस्तों हम कोशिश करते हैं कि किसी से अगर मेरी बात हो सके, वो दोस्तों अगर मुझे अपना घर वगैरह दिखा सके, तो हम दोस्तों आज आपको यहाँ पे किसी का घर दिखाएंगे और अंदर दोस्तों क्या क्या रहता है और उनको यहाँ पे क्या क्या दोस्तों कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लोग दोस्तों यहाँ पे अपनी पूरी ज़िंदगी बिता दिए हैं, इनकी दोस्तों कई पुश्तें इस पटरियों पर दोस्तों पली बढ़ी और आगे बढ़ी दोस्तों, कुछ इस तरह के यहाँ के सीन्स तो होने वाले हैं। तो फाइनली दोस्तों हम फटाफट चलते हैं, देखते हैं कोई भाई अगर हम अग्री होता है तो दोस्तों हम उसका घर वगैरह दिखाते हैं और उसकी लाइफ आपको हम आज दिखाने का प्रयास करते हैं। आप इधर ही रहते हैं क्या भाई? मैं इधर ही पटरी पर रहता हूँ। पटरी पर आप भी रहते हैं? हाँ। अच्छा, पटरी का भाड़ा कितना है भैया? तो फाइनली दोस्तों मैं भैया से पूछा कि भैया यहाँ पे रूम वगैरह कितने में मिल जाता है, तो उन्होंने कहा कि हम चलो आपको रूम वगैरह ही दिखाते हैं। तो दोस्तों वो लेके चल रहे हैं हमें अपने रूम की तरफ। जैसा कि दोस्तों देख पा रहे होंगे, ये पतली पतली गलियों से होते हुए दोस्तों हम भैया के रूम की तरफ जा रहे हैं। कहीं दोस्तों काफ़ी अंधेरा रह रहा है। तो फाइनली दोस्तों अभी मुझे भैया मिले हैं, ये आज अपना हमें रूम दिखाएंगे। तो फिलहाल दोस्तों हम आपको पटरियों के किनारे का रूम वगैरह दिखाते हैं, किस तरह से होते हैं ये। इस तरह से सामने की तरफ रूम है और चलते हैं दोस्तों भैया के रूम पे, इनका हम शुक्रिया अदा करेंगे और इन्होंने हमें दोस्तों अपने रूम पे लेके आए। तो फिलहाल दोस्तों ये देख सकते हैं पटरियों के किनारे का रूम है और ये भाई साहब का रूम है। भाई साहब आपका नाम क्या है, एक बार बताएंगे? मेरा नाम मुमताज अली है। अच्छा, मुमताज भाई है। हेलो दोस्तों। हाँ, तो मुमताज भाई हमें अपना रूम दिखा रहे हैं। और मुमताज भाई, ये पटरियों के किनारे मतलब ये ट्रेन वगैरह आती है, दिक्कत वगैरह होता है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं रहता, मतलब है। कहते हैं सब वाइब्रेशन होता है, हिलता है घर। हाँ, वाइब्रेशन तो होता है लेकिन एक आदत सी हो गई है। अच्छा अच्छा अच्छा, बहुत दिन से हम लोग रह रहे हैं तो इसलिए दिक्कत नहीं होती। अच्छा अच्छा अच्छा, तो फिलहाल दोस्तों देख सकते हैं मुमताज भाई का कुछ ये कमरा है। और मुमताज भाई, पानी का क्या सीन है यहाँ पे? पानी तो मुझे दिख नहीं रहा कुछ टोटी वगैरह। पानी ये नीचे से भरा जाता है, मतलब पाइप से भरते हैं या नहीं? ये बाल्टी में भर के लाया जाता है। हाँ हाँ, ये हो गया, इसमें रखा है, इसमें भरा हुआ है। अच्छा अच्छा, इसमें भरा है। हाँ हाँ, बाकी जो है नीचे। अच्छा मुमताज भाई, कितने लोग आप लोग रहते हैं इसमें? फिलहाल इसमें तीन जन है। अभी तीन जन में इतने पानी हो जाता है मुमताज भाई आपका? नीचे ड्रम भी रखा है ना। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, वो बीच वाला ड्रम जो है नीचे। अच्छा अच्छा अच्छा, वो आपका ही है? हाँ, वो ड्रम भी है। और पानी कैसे आता है मुमताज भाई? पानी बगल में भाड़े से लिया जाता है। कितना रुपए भाड़ा है पानी का यहाँ पे? महीने का 500। अच्छा, महीने का 500। हाँ। बाकी भाई जान, इसमें तो गर्मी तो बहुत ज्यादा लग रही है, कैसे इसमें एडजस्ट करते होंगे आप? अच्छा, अभी भाई जान देख रहे हैं यहाँ पे छोटा सा कूलर जगा रखे, और ये घर के चारों तरफ दोस्तों देखेंगे ना, इधर से पूरा पत्रा वगैरह जगा है, इधर भी पत्रा जगा हुआ है। अभी अभी भाई जान ने दोनों पंखा चालू किया, एक छोटा सा कूलर रखे हैं, एक इधर बड़ा सा पंखा रखे हैं। तो भाई जान, मतलब यहाँ पे जिंदगी पूरा एकदम स्ट्रगल वाली रहती होगी भाई। आप रहने वाले वैसे कहाँ के हैं? मैं यूपी का हूँ। अच्छा, यूपी में कहाँ से? गोंडा जिले से। अच्छा, गोंडा से। मैं जौनपुर से हूँ। जौनपुर जानते हैं आप? हाँ, जौनपुर सुना है। अच्छा 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 भाई, मतलब आप यहाँ पे क्या करते हैं भाई जान? मैं यही बिजनेस का काम है अपना। अच्छा, ये बेचते हैं होलसेल में? बेचते हैं या होलसेल में लाके बाजार बाजार में बेचते हैं? अच्छा, बाजार बाजार में बेचते हैं। माल रखा हुआ उधर भरा रखा। अच्छा, हुआ अच्छा, ये बोरे वगैरह ये बाजार बाजार मतलब जगह जगह जो मार्केट वगैरह छोटा छोटा जगह के बेचते हैं। तो भाई जान, आप कितना कमा लेते हैं फिर? हो जाता है, परिवार का पेट पालते हैं, रोटी मिल जाती है। यहाँ पे आप परिवार के साथ नहीं रहते ना? अकेले ही रहते हैं? अकेले ही रहते। अच्छा अच्छा, तो फिलहाल दोस्तों देख सकते हैं भाई जान का कुछ इस तरह से कमरा है, और भाई जान की ये स्ट्रगल की कहानी है। और मुंबई में दोस्तों ऐसी हजारों कहानियां मिलेंगी, यही जिंदगी होती है। अच्छा भैया, ये सब कहते हैं भैया हमें मुंबई जाना है, मुंबई जाना है। अब बताओ, अगर मुंबई आते हैं जो कैसी जिंदगी जीते हैं, आप ही बताइए एक बार। मुंबई में कहने का मतलब ये है भाई की
गांव घर में लोग कैसे भी रहते हैं, लेकिन यहां बहुत मेहनत करना पड़ता है। जी जी। और यहां टाइम का वैल्यू बहुत है। बहुत वैल्यू, हाँ, सही। अगर आप टाइम से बेटाइम हुए तो समझ लो आपका टाइम खराब हो गया। खराब हो गया। अगर टाइम से चल रहे हैं तो चार पैसे आप कमा सकते हैं। बराबर। टाइम को आप छोड़ते हैं तो चार पैसे आपके पास नहीं आए। मान लो हमें निकलना है, मुंबई लोकल पकड़ना है, आगे जाना है अंबरनाथ बदलापुर, और हम जो है यहाँ सो गए, आधा घंटा लेट हो गए, पता चला ट्रेन चली गई। ट्रेन तो बहुत आती 5-5 मिनट में। अच्छा, लेकिन करजत कसारा के लिए जो आती, बदलापुर के लिए आती है, ये लेट में आती है। अच्छा अच्छा। तो यहाँ टाइम का वैल्यू बहुत। आपको कितना टाइम हो गया भाई यहाँ पे रहते हुए, कुछ बताइए। करीब मैं 2002 से हूँ। अच्छा, जब से आप आए तब से इसी पटरियों की साइड में रहते हैं या कहीं और से पहले? नहीं, बस करीब इसमें 10-12 साल इसमें हो गया। अच्छा अच्छा। और उसके बाद में 3-4 साल 2-3 रूम छोड़ करके वहाँ थे। उसके बाद थोड़ा 1 रूम और 2-3 रूम में रहे, मतलब पटरी के आसपास ही। हाँ, बस यही पटरी। आपने इसका भाड़ा कितना बताया, मुझे ध्यान से उतर गया अभी। भाई भाड़ा इसका 3500 रुपए है। 3500 रुपए। लाइट पंखा जो चलाते हैं, नीचे वाले का जो मीटर है जिसका रूम है, उसी से लिए हैं। 1000 उसका लाइट बिल देते हैं। लाइट बिल देते हैं 3500 से 1000 लाइट बिल। 4500 चलाते 4500। 500 रुपए पानी वाली को दिया जाता है। 5000 रुपए। और देख सकते हैं दोस्तों रूम किस तरह से है, 5000 रुपए खर्चा था भैया। रूम देखा जाए ढंग का नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, वो मुझे दिख रहा है, बिल्कुल ढंग का नहीं है। और हम लोग गांव में रहते हैं, अगर घर वाले देख ले कि इस तरह यहाँ मुंबई में रहते हैं, जी जी, तो बुला लेंगे, आप जाओ ही मत। लेकिन क्या किया जाए, चार पैसे कमाने के लिए टाइम काटना पड़ता है। सही बात। बहुत सारे भाई जो कमेंट करते हैं दोस्तों कि मुंबई में क्यों रहते हैं, गांव में भी रह के पैसा कमा सकते हैं ना, तो भाई गांव में कैसे पैसा कमा जाएंगे, भाई साहब ही बताएंगे गांव में पैसा कमाना पॉसिबल? गांव में रोजगार कम है। रोजगार बहुत कम है। बहुत कम है। आदमी क्या करेगा? या मान लो अगर किसी के यहाँ मजदूरी करने जाता है तो 300 रुपए पाएगा, ज्यादा से ज्यादा 300 पाएगा। पता चला 2 दिन काम लगा, 2-3 दिन छुट्टी हो गई, उसमें क्या खाएगा क्या बचाएगा? यहाँ आदमी 1500 या 1000-2000 रुपए रोज कमा रहा है। बराबर, बराबर। तो उसकी जो है जिंदगी चल रही है। बराबर। बच्चे खा पी रहे हैं, परिवार पल रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। और एक आदमी की वजह से 10 लोग का जीवन चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, गांव में दोस्तों सही बात। ये भाई जान यहाँ पे हम परेशानी यहाँ काट रहे हैं जी। लेकिन हमारे वजह से 10 लोग खुश हैं। खुश हैं। ये देखिए दोस्तों मुंबई की इस तरह से स्ट्रगल होती है, जो आप लोगों का डिमांड होता है ना, पापा ये भेज दो, भैया ये भेज दो, चाचा ये भेज दो, लोग इस तरह से दोस्तों यहाँ पे जिंदगी जीते हैं और आप लोगों की वो फरमाइशों को पूरा करते हैं। अगर आप हमारी वीडियोस को देखते हैं तो आप लोगों की जिंदगी को समझने की कोशिश करिए, करा करिए दोस्तों। ये नहीं है मुंबई में रह रहे हैं तो आप कुछ भी मांगते रहिए, उनसे कुछ भी कहते रहिए, कुछ भी डिमांड करते रहिए। आप अगर इनसे कहेंगे तो वो आपके लिए कुछ ना कुछ करेंगे, लेकिन किस तरह से यहाँ पे जो पैसा कमाते हैं आप देख पा रहे हैं कि कितनी तकलीफ से दोस्तों यहाँ पे रहते हैं, जो जिंदगी जीते हैं, पैसा कमाते हैं। थोड़ा सा आप भी इस चीज का ध्यान दीजिए कि इस तरह से फरमाइश और डिमांड मत करिए। अच्छा भाई, आप खाना वगैरह कैसे बनाते हैं यहाँ पे? बनाते नहीं, हम होटल में खाते हैं। होटल में खाते हैं? हाँ। क्यों बनाते क्यों नहीं है? बनाते इसलिए नहीं है, यहाँ कहने का मतलब यह है कि हम 2-2.5 बजे धंधे पे निकल जाते हैं। अच्छा अच्छा। दोपहर में? हाँ दोपहर में। आज तो हमारी छुट्टी है। जी जी जी। सैटरडे है, सैटरडे को हफ्ते में एक दिन छुट्टी रखते हैं। हाँ। तो कहने का मतलब ये है, अब हम 2-1.5 बजे जैसा जहाँ तक निकलना है, दूर का टूर रहता है। अच्छा अच्छा। किसी दिन 1 बजे भी निकलते, अब निकल गए रात को 12 बजे वापस आए, पड़ोसियों को परेशान करें, गए जलाए, चूल्हा जलाए, छौका मारे, सही बात, कितनी बड़ी दिक्कत होगी। तो इसलिए होटल में खाते हैं। और कितना खर्चा आ जाता है भैया होटल का आपका महीने का? उसमें जैसा खाओ जैसा खाओ, एक टाइम में 80 रुपए, 70 रुपए, 90 रुपए एक टाइम। अच्छा। नाश्ते का अलग, तो 2-250 रुपए तो आपका खाने में जाता होगा दिन का? कम से कम महीने का 15,000 भाई साहब हम लोग का खाने पीने का, और ये ट्रेन का खर्चा लेके इतना लगता है। 15,000 रुपए भाई जान, बहुत ज्यादा खर्च हो जाता है। अच्छा, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे भाई जान? जैसे कि हम लोग देखते हैं कितनी स्ट्रगल और कितनी मेहनत करके यहाँ पे पैसा कमाते हैं, और उसके बाद जो गांव में रहते हैं, हमारे बच्चे हो गए या आपके जो घर के मतलब आपकी वाइफ हो गई, वो डिमांड करती हैं कि हमें ये भेज दीजिए, हमारे पास मोबाइल नहीं है, हमें ये तकलीफ हो रही है, हमारे यहाँ बेड नहीं है, हमारे यहाँ मतलब अभी चौकी नहीं है, मतलब जो भी घर की जरूरियात होती हैं, और हम लोग किस तरह से ज़मीन पर रहते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, मेरा कहने का मतलब एक ही है कि हमारे बाप जब थे, हमने जो भी डिमांड किया, कमाते थे बेचारे, वो पूरा करते थे। जी जी जी। हम बड़े हो गए,
शादी हुई, बच्चे हो गए, दो लड़का दो लड़की, चार बच्चे हैं। बड़ा लड़का हमारा 14 साल का हो गया, 9th में था, अभी 10 में गया हुआ है। तो डिमांड करते हैं, उन लोग का भी रहता है, तो अपना मन मार करके उनका पूरा करते रहते हैं, करते रहना पड़ता है। सही बात, क्योंकि हम ये सोचते हैं कि अब हमारा क्या है, अब हम उनके लिए हमें करना है। लेकिन हमारा टाइम जब तक था, हमारे बाप करते थे, हम उनसे जिद करते थे, अब हम किससे जिद करने जाएं। लेकिन भाई जान, कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हमारे पास पैसे वगैरह नहीं रहते हैं, कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि हम एक दिन, कभी कभी एक एक टाइम हमको खाना नहीं खाना पड़ता है कि भाई आज हमारे पास उतनी कमाई नहीं हो पाई है। मतलब इस तरह से बहुत योग यहाँ पे रहते हैं। मान लीजिए आज हम तो ये आप अच्छा पैसा भी कमा रहे हैं, लेकिन मैं ऐसे अभी बहुत सारे योगों को भी देखा हूँ यहाँ पे, जो कि अभी मैं देखा हूँ कि वो नाले के किनारे से उसमें से कचरा बीन रहे थे, प्लास्टिक बीन के निकाल रहे थे, ऐसे योग भी तो जिंदगी जीते हैं यहाँ पे। तो उनके बारे में आप क्या कहेंगे? कहने का मतलब ये है कि ये है मुंबई। हाँ, मुंबई में मैं खुद देखा हूँ, हमारे बहनोई का होटल है, करीब 14-15 लोग काम करने वाले हैं, किसी की सैलरी 8,000 है, किसी की 7,000, किसी की 9,000, 12-14 घंटे बेचारे ड्यूटी करते हैं, उसके बाद इतना पाते हैं। हम लोग हैं, हम लोग अच्छा कमा लेते हैं, मेहनत करते हैं, बिल्कुल। और रही बात भूखे सोने की, तो ऐसी नौबत तो लाइफ में कभी नहीं है। माँ बाप का दुआ हमारे साथ है भैया, माँ बाप हमारे साथ हैं, और ऐसी नौबत नहीं आई। और इतने सालों से हम रह रहे हैं, मान लीजिए अभी बारिश का समय है, बारिश आ जाए, 4-6 दिन हफ्ते भर लगातार बारिश हो, हम धंधे पे ना निकल पाए, तो हम जहाँ खाना खाते हैं होटल वाला बोल नहीं सकते, बस खिलाते रहता है, खाते जाइए, जब कमाना तब देना। अच्छा, अच्छा, ये व्यवहार होता है भैया, ये व्यवहार होता है, तो ये हर जगह बना के रखे बराबर। अच्छा भाई, एक बात और आपने सुना होगा, जब हम गांव में रहते हैं, जो हमारे गांव के दोस्त होते हैं, लड़के होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, मतलब 14-15 साल को, मतलब उनको नशा चढ़ा होता है कि मुंबई भाग के जाएंगे कमाने के लिए। अच्छा, जो यहाँ पे भाग के आना चाहता है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे आपने भी सुना होगा ना, बहुत सारे जो भाग के आते होंगे। बहुत से होते हैं, लेकिन अब पहले का अलग हिसाब था, अब का जो है, अब लोग भाग के बहुत कम आते हैं, क्योंकि हर घर से कोई ना कोई अब शहर रहता बराबर। पहले का क्या होता था कि यार गांव में अगर 5 लोग शहर में है, तो हमारे बच्चे को ले जाओ, कुछ करवा दो, उसके यहाँ लोग लगे रहते, भैया हमारे भी बच्चों को ले जाओ बराबर। अब पता चला हर घर का बच्चा शहर है, और एक बच्चा एक घर का गया, अगर 4 बच्चे हैं तो धीरे धीरे करके वो खुद ही लेके सेटल कर देता बराबर। तो इसलिए दिक्कत नहीं आती है। सही बात, हर आदमी जो है इस समय में सजग बराबर। प्लस हर आदमी के हाथ में मोबाइल है, हर चीज उससे देख लेता है, सुन लेता है, समझ लेता है बराबर। पहले जैसा रहने के बराबर सिस्टम। अच्छा भाई जान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा एक बात और बताइए, इतनी अभी सेवा किया जाए? नहीं जनाब, बैठिए। हाँ जी जी, तो फिलहाल भाई ने मुझे कहा कि आप बैठिए, पानी वगैरह पीजिए। दोस्तों इन्होंने मुझे अपने घर में बैठाया है, पानी पिलाया और हमारी सेवा करने की बात कर रहे। इस चीज के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि आपने मुझे अपने घर में लेकर आया, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है दोस्तों, कि इन्होंने हमें अपने घर में इनवाइट किया, अपने घर में बैठाया और इस तरह से दोस्तों ये हमें पानी पिला रहे हैं, इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करूंगा। और बाकी दोस्तों ऐसा नहीं है, ये मुंबई में दोस्तों जो ये झोपड़ी, मतलब झोपड़पट्टियों की तरफ लोग रहते हैं ना, बहुत अच्छे होते हैं, खाली लोगों के माइंड में परसेप्शन होता है कि इधर के लोग काफ़ी बुरे होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता दोस्तों। आप कभी भी इधर आइए, काफ़ी प्यार से लोग आपको बात करेंगे और आपको एक घर में लेके जाके दोस्तों पानी पिलाएंगे, वो भले दोस्तों पैसा अच्छा कमा रहे हो या ना कमा रहे हो, लेकिन आपकी इज्जत जरूर करेंगे। अभी मैं सही कह रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल सही कह रहा हूँ ना। तो अब हम आपको वहाँ मिले, हम बाथरूम जा रहे थे। जी जी जी, फिर आपने रास्ता पूछा। हाँ, हमने सोचा गली गली है, आप भटक जाएंगे, पूछते रहेंगे। हाँ, हाँ। तो हमने कहा चलो हम डायरेक्ट छोड़ के आते हैं। सही बात दोस्तों, जानते हैं अभी हुआ क्या था, अभी थोड़ी देर पहले मैं, मतलब आपको बताया था मैं काफी भटक गया था पटरी खोजते खोजते, तो अभी भैया मिले, मैं इनसे भैया से पूछ बैठा, भैया मुझे 9 नंबर पटरी की तरफ जाना, जैसे कि दोस्तों ये पूरा एरिया है ना, ये 9 नंबर पटरी के तरफ का एरिया है ना भैया, इनसे मैं पूछा, इन्होंने मुझे साथ में लेके आए दोस्तों यहाँ तक छोड़े, इस चीज की जो शुक्रिया अदा करता हूँ। और तो और दोस्तों ये अपने हमें घर में लेके आए और अपना घर दिखाया, अपना यहाँ का लाइफ स्टाइल भी बताया। और बाकी दोस्तों जो भी बातें होंगी, अगर भैया से हमें लगता है कि आपके साथ शेयर करना होगा, वो दोस्तों हम सारी चीजें आपके साथ शेयर करेंगे। बाकी भैया का दोस्तों एक बार फिर से हम शुक्रिया अदा करेंगे। थैंक यू भैया।
तो फिलहाल दोस्तों मेरी भैया से अभी कोई पहचान नहीं है, और पानी दोस्तों थोड़ा सा गर्म था, मैं कह रहा मैं पी लूँगा, वो माने नहीं दोस्तों, वो नीचे ज़बरदस्ती गए हैं कुछ लेने के लिए। अभी कह रहे हैं कि रुको मैं ठंडा लेकर आता हूँ, ठंडा पानी लेकर आता हूँ, कम से कम आप ठंडा नहीं पियेंगे, ठंडा पानी तो पी सकते। तो इस तरह तो आपको झोपड़पट्टी वाले दोस्तों ट्रीट करते हैं। इन्होंने दोस्तों ये घर वगैरह दिखाया, देख सकते हैं। अभी ये दोस्तों मुझे पूरे घर में अकेले छोड़ के चले गए हैं, अभी ये है नहीं, ये नीचे की तरफ चले गए हैं। अभी दोस्तों ये कूलर है, एक छोटा सा पंखा है, और मैं सच बता रहा हूँ दोस्तों यहाँ पे काफ़ी गर्मी हो रही है। भैया झेलते हैं, मजबूरी होती है दोस्तों झेलने का। इस रूम का दोस्तों जो भाड़ा वगैरह सब मिला जुला के 5,000 रुपये के आसपास आ जाता है। इस तरह से दोस्तों लोग मुंबई में ज़िंदगी जीते हैं। तो बहुत सारे लोगों के माइंड में अगर भागने उगने का सवाल आ रहा हो तो इसे मत करें, आप कोई काम सीख के आइए दोस्तों, आप पक्का मुंबई में कामयाब होंगे। नहीं तो दोस्तों आप यहाँ पे ना नाला ही और गटर ही साफ करते रह जाएंगे। इसलिए दोस्तों आप पढ़ाई लिखाई करिए, मेहनत करिए, और उसके बाद मुंबई में आइए दोस्तों। मुंबई में आप बहुत आगे जाएंगे, क्योंकि दोस्तों मुंबई में जो भी आता है वो कामयाब होता है।